बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलिया ट्रैवल एंड न्यूज़। जैसा कि हमने आपके साथ पिछले ब्लॉग में तुर्की के खूबसूरत शहर इस्तांबुल का एक खूबसूरत एयरपोर्ट आपके साथ शेयर किया था, जो कि पार्ट वन था, आज हम आपके साथ इस एयरपोर्ट का पार्ट टू शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, जो कि एक ब्लॉग में हमने इसको कवर नहीं किया। हमने इसके दो तीन ब्लॉग बनाए हैं ताकि आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग में इसको शेयर कर सकें। बहुत बड़ा एयरपोर्ट था, एक वीडियो में इसको बनाना जो था वो डिफ़िकल्ट था, और इस वजह से इसके इसके कुछ पार्ट बना दिए हैं। तीन पार्ट में आपको ये ब्लॉग मिलेगा, जो कि खूबसूरत एयरपोर्ट इसमें आप देखेंगे। हमारे पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा होगा कि हमारा जो बिल्डिंग है खूबसूरत बनाई गई है, आर्किटेक्ट का एक खूबसूरत इंतजार है इसमें। और इस व्लॉग में हम आपके साथ ब्यूटीफुल शॉप्स वो शेयर कर रहे हैं, और साथ साथ इसके जो डिपार्चर एरियाज हैं उसके जो हिस्से हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफर जो ट्रांजिट होते हैं यहाँ से इस्तांबुल में ट्रांजिट के लिए आते हैं, उनके लिए जो डिपार्चर्स हैं नेक्स्ट फ्लाइट के लिए, नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, ये उसके रास्ते हैं, ये उसके रास्ते की हमें आपके साथ ये वीडियो जो है ये हमें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे ये ब्लॉग भी अच्छा लगेगा, और आपको अमर एयरपोर्ट वाकई खूबसूरत लगेगा, क्योंकि वाकई ये हाई खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया गया है, जो कि वर्ल्ड के खूबसूरत एयरपोर्ट में अगर आप इसको शामिल करें तो आप इसको कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है, वर्ल्ड के खूबसूरत एयरपोर्ट में ये शामिल है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और आप देखेंगे आपको वाकई आपको फील होगा कि वाकई आप ये एक खूबसूरत एयरपोर्ट का ब्लॉग देख रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि यहाँ पे ट्रांजिट फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, फ्लाइट कनेक्शन बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी एयरलाइन जो है वो इस्तांबुल से अपना ट्रांजिट जो है वो आती हैं, और ट्रांजिट के लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसेंजर जो हैं वो यहाँ से अपनी फ़्लाइट जो है वो दूसरी सिटीज़ दूसरी कंट्रीज़ के लिए वो यहाँ से अपनी फ़्लाइट जो है वो लेते हैं। ये अब डिपार्चर एरिया का लाउंज है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारा 4 आवर का जो हमने ट्रांजिट था वो यहाँ पे किया था, तो हम ये कोपेनहेगन के लिए पाकिस्तान से इस्तांबुल से अभी यहाँ से हमारी फ़्लाइट जो है वो कोपेनहेगन की है, तो हम यहाँ से कोपेनहेगन के लिए फ़्लाइट लेंगे यहाँ से, और फिर आपके साथ जो ड्यूरिंग फ्लाइट ब्लॉग है वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर कोपेनहेगन का ब्लॉग हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, लेकिन ये ब्लॉग जो है ये हम बाद में शेयर कर रहे हैं आपके साथ। और उसके बाद कोपेनहेगन की कुछ ब्लॉग्स, उसके बाद हमने बार्सिलोना के आपके साथ स्टॉकहोम डेनमार्क से स्वीडन, और फिर स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम, और उसके अलावा स्वीडन के गोर प्लेस से हमने सब कुछ ब्लॉग शेयर किए हैं। अभी हमारे पास और काफ़ी ब्लॉग पड़े हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये देखें रनवे एरिया जो फ्लाइट के लिए है, ये डिपार्चर लाउंज है, हमने कोशिश किया कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग है ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर कर सकें, इस एयरपोर्ट के हिस्से ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर कर सकें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग भी अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अलिया ट्रैवल एंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ व्लॉग जो है डिफरेंट कंट्री को बना सकें। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो अब तक पहले पहुंच सकें। इसके साथ ही अलिया ट्रैवल एंड न्यूज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।